कोई कह रहा है मोदी की जो योजनाएं थी वो उसकी वजह से हम वोट देंगे। यहाँ पर विकास कितना हुआ है सुपौल का? एक तो जो क्षेत्र है कोसी का जो क्षेत्र है उसके लिए हर बार हम देखते हैं यहाँ पर क्या विनाश होता है। देखिए, क्योंकि बाढ़ के विभीषिका को तो ये प्राकृतिक आपदा है और हम लोग जिस जोन में है, एक तो हम लोग भूकंप जोन 5 में है जो सबसे सेंसिटिव जोन है। बाढ़ जब तक कोसी है, कोसी का नदी है, तो बाढ़ की विभीषिका से हम लोग को झेलना ही पड़ेगा, इस मुकर में। लेकिन सरकार के द्वारा जो भी प्रयास किया गया है वो बहुत ही सराहनीय हुआ है कि यहाँ एक लाइफ लाइन जो हमारा 4-लेन रोड है, इसके चलते रोजगार का भी सृजन हुआ है, लोगों को आवागमन की सुविधा बढ़ी है और लोग मेन मार्केट से, जिला मुख्यालय से जुड़े हैं, ये कम बड़ी बात नहीं है। और सड़कों का जाल बिछा हुआ है। आपको ध्यान होगा कि पिछले 65 वर्षों में मात्र 44,000 किलोमीटर सड़कें बनी थी और फर्स्ट एनडीए का जो शासनकाल रहा है वो पहुंच के 79,000 किलोमीटर जो है सड़कें बनी है। आज जो सड़कें बनने का जो सिलसिला है, जो पर किलोमीटर के दायरे में अगर आप जाइएगा तो पहले 65 साल के दुनिया में जस्ट दुना हुआ है। पहले 12 किलोमीटर 10 किलोमीटर था, वो 21-22 किलोमीटर पर बढ़ा है। ये तो विकास का ही रूप है, इसको हम क्या विकास ही कहेंगे। लेकिन आप विकास की बात कर रहे हैं, विपक्ष और मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं, विपक्ष तो कह रहा है कि लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा अगर 400 पार हो। अरे विपक्ष तो आज खतरे की ही बात बोलेगा, इसलिए कि उनके पॉकेट पर खतरा है, उनके अपने समृद्धि पर खतरा है, इसलिए वो उसको खतरा मानते हैं। देश के लिए कहीं भी खतरा नहीं है। आज देश जो है अमन चैन की जिंदगी जी रहा है। पिछले 10 साल में हम बताइए कि पूरे देश में कहां बम ब्लास्ट हुआ है, कहीं बम ब्लास्ट हुआ है? कश्मीर की समस्या थी, 370 की समस्या थी, इसका सटीक निचोड़ जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने निकाला है। आज 500 वर्षों की समस्या थी अयोध्या की, उसको निपटाया है। लोग GST के लिए हल्ला कर रहे थे, डिमोनेटाइजेशन के लिए हल्ला कर रहे थे, क्या उसका इम्पैक्ट पड़ा है? आज GST का क्या पैसा प्रत्येक स्टेट को नहीं मिल रहा है? उससे विकास नहीं हो रहा है? लगता है इससे बदलाव हुआ है? निश्चित रूप से बदलाव हुआ है, बदलाव दिख रहा है। ठीक है, आप लोग यहाँ वोट देने को तैयार हैं? क्या लगता है जो 400 पार का दावा है वो पूरा होगा? निश्चित रूप से एक 400 का लक्ष्य है, 400 पार का लक्ष्य है, और 10-5 कम हो जाए, हो सकता है 10-5 आगे भी बढ़ जाए, इसमें कोई संकोच की बात नहीं है। आम आदमी राहत महसूस कर रहा है और इसका प्रभाव आम आदमी के जीवन पर भी पड़ा है। स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, या देश की रक्षा का विषय हो, आज बड़ा बड़ा उद्योगपति, आज जो रक्षा सौदा हम लोग का विदेश से हुआ करता था, विदेशों में कल पुर्जे बनते थे, आज भारत में बन रहा है, ये गौरव की बात है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।